हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एवरयूथ नेचुरल्स नीम पपाया फेस स्क्रब का, जो कि फेस को एक्सफोलिएट और स्क्रब करने के काम में आता है। और ये दोस्तों फेस की जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको रिमूव करने के काम में आता है, वाइट हेड्स को रिमूव करने के काम आता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के काम में आता है। सो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी जल्दी से यूजफुल प्रोडक्ट्स फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और अभी तक 17,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी उससे जुड़ सकते हो। और चैनल को दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे भी टच करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फेस स्क्रब होते हैं ये काम क्या आते हैं। सो दोस्तों ये जो फेस स्क्रब होते हैं ये हमारे चेहरे की जो डेड स्किन सेल्स हैं, जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उनको दोस्तों रिमूव करने के काम में आते हैं। सो दोस्तों इस मतलब जो स्क्रब होता है इसके अंदर, अब जैसे ये वाला स्क्रब है नीम पपाया फेस स्क्रब, तो दोस्तों इसमें नीम और पपाया के कुछ छोटे छोटे से कण होते हैं, उनको जब दोस्तों हमारे फेस पर हम अप्लाई करते हैं और दोस्तों स्मूथली मसाज करते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों जो हमारे फेस की डेड स्किन सेल्स हैं, जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो दोस्तों इसके साथ मतलब बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों हमें सप्ताह में लगभग एक बार तो फेस स्क्रब का यूज़ करना ही चाहिए। इससे दोस्तों हमारे चेहरे की जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, गंदगी है, वो दोस्तों आसानी से रिमूव हो जाती है और हमें हमारी त्वचा आराम मतलब आसानी से प्यूरीफाई रहती है और एक्सफोलिएट हो जाती है। तो दोस्तों इस वाले फेस स्क्रब में नीम पपाया फेस स्क्रब नीम और पपाया के कणों को यूज़ किया गया है, जैसा कि दोस्तों इसकी आप क्रीम में देख सकते हो इस स्क्रब में। तो दोस्तों इसके अंदर जैसा आप देख रहे होंगे इसमें नीम के ग्रीन ग्रीन कण आपको हल्के हल्के से दिखाई देंगे और दोस्तों इसमें पपाया मतलब पपीता के भी कुछ लाल लाल कण आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं और स्मूथली मसाज करते हैं तो उनसे क्या होता है कि जो हमारे स्किन की जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की, तो दोस्तों अब इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी प्राइस है 38 रुपये की। और दोस्तों हम सीधा काम की बात पर आते हैं कि ये फेस स्क्रब कैसा है, कैसा वर्क करता है। सो दोस्तों मैंने इसको यूज़ किया है, इससे पहले भी 2-3 फेस स्क्रब में यूज़ कर चुका हूँ। और दोस्तों इससे पहले मैंने पतंजलि का ये वाला एप्रिकॉट फेस स्क्रब यूज़ किया था, बट दोस्तों मैंने दोनों को यूज़ करने के बाद मुझे ये वाला फेस स्क्रब ज़्यादा बेटर लगा एवरयूथ का, क्योंकि दोस्तों इसको यूज़ करने के बाद फीलिंग मुझे अच्छी आई और दोस्तों इसकी स्मेल भी अच्छी है। और इसको लगाने के बाद दोस्तों मतलब फेस पर ऐसा नहीं लगता कि आपने क्रीम लगाई है, पर दोस्तों इस पतंजलि वाले स्क्रब को यूज़ करने के बाद ऐसा लगता है कि आपने मतलब कोई क्रीम भी लगा ली साथ में और फेस पर ऐसा लगता है कि कुछ मतलब क्रीम लगाई हुई है और फेस ऑयली ऑयली सा दिखाई देता है। बट दोस्तों इस एवरयूथ फेस स्क्रब के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको यूज़ करने के बाद मतलब अच्छा फील होता है और ये फेस स्क्रब अच्छा है। सो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस फेस स्क्रब को यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको दोस्तों और कोई फेस स्क्रब शूट करता है तो आप प्लीज़ उसे ही यूज़ करें, क्योंकि बट दोस्तों अगर इसको ट्राई करना चाहते हो तो ये भी फेस स्क्रब बहुत अच्छा है और ये नेचुरल है। इसमें लेमन नहीं है, मतलब पपाया और नीम को डाला गया है। सो दोस्तों दोनों ही मतलब आयुर्वेदिक टाइप में, आपको किसी प्रकार के केमिकल्स वगैरह इसमें नहीं मिलेंगे। सो दोस्तों ये अच्छा है और ये दोस्तों किसी भी प्रकार की ऑल टाइप स्किन को सूट करता है। आप इसे 7 दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी चेहरे की जो गंदगी है वो दोस्तों निकल जाती है। सो दोस्तों इसकी प्राइस भी 38 रुपये की है, ज़्यादा महंगी नहीं है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों बात अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये मत बताना कि भाई ये वाला फेस स्क्रब फेस को गोरा बनाने में भी हेल्प करेगा। सो दोस्तों बिल्कुल भी गलत बात है, ये फेस स्क्रब आपको बिल्कुल भी गोरा नहीं बनाएगा, चाहे आप इसे यूज़ करें या ना करें, ये आपको बिल्कुल भी गोरा नहीं बनाएगा। ये ओनली फेस के डेड स्किन सेल्स और गंदगी को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों ये रहा इस फेस स्क्रब के बारे में मेरा रिव्यू। आपको दोस्तों रिव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।